इस श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है, हमने सुना, हमने तो कभी पढ़ा नहीं भागवत, पर सुना एक प्रसंग ऐसा है जहाँ पर गधे के सामने वसुदेव दंडवत प्रणाम करते हैं। पता है आपको? कितने लोगों को नहीं पता, हाथ उठाओ। नहीं पता। गधे, हम गधे कहते हैं, गधे बड़ा सेंसिटिव है। जब भी किसी महिला को प्रसव वेदना शुरू होती है, गधे को महसूस होता है। गधे बड़ा संवेदनशील है इस मामले में। तो बच्चा पैदा होने से पहले वहाँ आसपास में कोई गधा होता तो वो गधा जोर से चिल्लाए की आवाज़ करता है। तो कंस के दरबार में जब भी देवकी की प्रसव वेदना होती रही तो वो गधा जोर से बोलता था। तो गधा बोले तो फिर कंस को पता चल गया कि अभी इसका बच्चा पैदा हो गया। तो आते ही वो आके उस सातों बच्चों को उन्होंने कर दिया था कि उनको पता चल गया अभी बच्चा पैदा हो रहा है कि गधे की आवाज़ से। तो वसुदेव ने एक बार गधे को हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, इस बार कृष्ण का जब जन्म होगा, मतलब देवकी जब जन्म देगी बच्चे को, तो गधे महाराज आप बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही है, चुप रही है। तो फिर गधे चुप रहो, कभी कभी गधे भी कोई अर्जी देता है तो उसको मान लेता है, गधे भी मान लेते। तो वसुदेव के विनंती को गधे ने मान ली और चुप रहा, पता नहीं चला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, फिर कंस नहीं आया उस वक्त, क्योंकि उसको पता नहीं, गधा तो बोला ही नहीं। फिर वो पहरेदार सब सो गए और वो बच्चे को लेके गोकुल पहुंच गए। और वापस जब वहाँ से आए, सबसे पहले उन्होंने गधे को प्रणाम किया, दंडवत नमस्कार किया, तुमने बचा लिया मेरे बेटे को। तो गधे भी बड़े संवेदनशील होते हैं, इसलिए असंवेदनशील व्यक्ति को तुम गधे हो बोलना भी गधे के लिए अपमान है, इंसल्ट। ठीक है, तो कृष्ण की जन्म के लिए गधा भी एक कारण बन गया भाई, गधे ने भी बचा लिया कृष्ण को। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे जुड़े अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।